व्हाट नेक्स्ट वेब सीरीज हॉट ऑन द बिग शॉट, ये सवाल आप लोग के भी दिमाग में गोल 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 चक्कर काट रहा होगा, है कि नहीं? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वेब सीरीज जो है वो आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया इन लोगों को कि कोई भी रिप्लाई नहीं आया। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल यार टाइम नहीं मिल पाया, कल वहीं आप लोग तो जानते ही हैं कि एक विधायक जी हैं उनके पास गए थे, तो बहुत कम ही वीडियो अपलोड हो पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो बारात लगा देंगे। आइए जानते हैं बिग शॉट पर न्यू अपकमिंग वेब सीरीज कौन सी आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। कुछ इतिहास को भी खंगालेंगे, कुछ प्लस कुछ फ्यूचर को भी खंगाला जाएगा इस वीडियो में। एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कमेंट तो बहुत आया, चलिए पहले मैं कुछ कमेंट्स को पिक करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या लोगों का क्या क्या सजेशन है वो देखा जाता है। देखते हैं, लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कच्चे रिश्ते पार्ट टू प्लीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि कच्चे रिश्ते पार्ट टू को लेकर आइए, ज़बरदस्त बोल्ड सीन चाहिए, आयुषी जायसवाल, प्रिया कामरे, ऋतु राय, भारती झा, आलिया नाज, बहुत सारे लोग अब कास्टिंग को भी कर रहे हैं। और ये तो कमेंट है जो यूट्यूब का कमेंट है सब, ठीक है। और देखिए ये सीरीज कुछ खास नहीं है, अनुमरिया एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, अनुमरिया न्यू एक्ट्रेस नौकरानी महाबेकार, नॉट इंटरेस्टेड फॉलो बिग शॉट, तो एक भाई कह रहा है कि भाई तुम कौन हो, अनु जी की अगेंस्ट क्यों बात करते हो, साला वो वेब सीरीज रानी है, वो वेब सीरीज की रानी है, ए ग्रेड एक्ट्रेस है। सही बात है, बहुत लोग को पसंद करते हैं। आइए कुछ इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि इनका क्या हो रहा है, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या होगा। रुकिए तो नेक्स्ट वेब सीरीज अपडेट, कुछ रिप्लाई नहीं है। निकी प्रजापति कास्ट करो, वाई नेक्स्ट प्लीज कास्ट कोमर रूठाला एंड प्रिया मिश्रा मैडम। हाँ यार, कोमर रूठाला बहुत दिन हो गई है कि नहीं। ठंड का मजा सीजन टू, कुछ लोग का ये भी कहना है कि ठंड का मजा सीजन टू जो है वो लेकर आइए। जूनिता डेक्रोज प्लीज इलेक्ट्रिशियन चिट्ठी सीजन टू, हाँ ये भी बहुत लोग कह रहे हैं कि चिट्ठी सीजन टू। तो देखिए चिट्ठी सीजन टू यदि आप पूछ रहे हैं तो बैक टू बैक बिग शॉट जो है सीजन वन सीजन टू नहीं लेकर आता है, कुछ दिन बाद सीजन टू लेकर आता है, ठीक है। आएगा तो कोई नया ही आएगा या फिर नहीं आएगा। और भी आपका अपकमिंग वेब सीरीज कुछ अपडेट नहीं आया अभी तक, इस फ्राइडे सीरीज रिलीज होगा या नहीं? तो नहीं होगा भाई, अब कैसे होगा बताइए आप। आज हो गया थर्सडे, कल फ्राइडे, कहाँ से होगा? कुछ तो और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आज दिन भर मतलब कि रात तक हो सकता है कोई पोस्टर वोस्टर आ जाए, तो हो भी सकता है, क्योंकि भाई लोग इन लोगों का क्या खैर खबर है। और नहीं, मुझे जहाँ तक लगा ज़्यादा उम्मीद जो है 90% उम्मीद है कि नहीं होगा। क्यों, मैं बताता हूँ आप लोग को क्यों। तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट में पूछे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी कमेंट का ये लोग रिप्लाई नहीं दिए हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जब ये वेब सीरीज आने वाली थी चिट्ठी वेब सीरीज, तो आप लोग को याद होगा कि कितना आईसीयू से निकल कर ये वेब सीरीज हम लोग को देखने को मिला, यानी कि जिस डेट को रिलीज होने वाला था उस डेट को रिलीज नहीं हुआ, अगले हफ्ता मतलब कि अगले नेक्स्ट वीक तक इसको टाल दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, उसके बाद ये वेब सीरीज आया, है कि नहीं? कितना सारा मुश्किलें झेलना पड़ा। तो कैसे हूँ करके, तो भाई साहब ये तो चिट्ठी वेब सीरीज रिलीज हो ही गया, देखिए लिए लो हम लोग भी। अब देखिए ये वेब सीरीज, अब नेक्स्ट वेब सीरीज कब होगा क्या होगा, आप लोग तो जानते ही हैं, सरकार का फाउंडेशन है कुछ इन लोगों के ऊपर भी, लेकिन ये लोग सोचे थे कि जो चिट्ठी वेब सीरीज जब बन चुकी है तो इसको रिलीज कर ही दिया जाए, ताकि ऑडियंस में मतलब कि अविश्वास पैदा ना हो कि बंद ही हो चुका है ये भी। अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, क्योंकि ये भाई लोग पूछा भी जा रहा है इन लोगों से, तो ये लोग कुछ रिप्लाई दिया नहीं दे पा रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी कोई भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी वेब सीरीज आएगी।
अब एक दो दिन और भी देख लिया कि मतलब कि देख लीजिए, यदि नहीं आती है तो समझिए कि गया आईसीयू में, कोमा में गया है। कुछ दिन बाद इलाज उलाज चलेगा, उसके बाद हम लोग के सामने आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए और भाई साहब अभी ये क्या है, इसके बाद वाला एक और दमदार वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो एक बंद होगा तो 50 खुलेंगे, आप लोग को तो मालूम ही है, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है एक बहुत ही धमदार दमदार वीडियो आएगा वेब सीरीज का ही, जो कि मस्ट वॉच है, एक बार जरूर देख लीजिएगा उस वेब सीरीज को, ठीक है। तो आप लोग का अब बताइए, आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कि आप लोगों को कोई भी खबर अपडेट अपडेट मिलता है तो मुझे भी बता दिया कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, बता दीजिएगा कि आया यहाँ पर आया वहाँ पर आया, ठीक है। उसके लिए आभारी रहा जाएगा। अब अकेला आँख कहाँ कहाँ ढूंढेगा भाई, हाँ आप लोग सहायता कीजिएगा तो बहुत से लोग का हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जो है प्रकट कीजिएगा। अब ये बिग शॉट भाई साहब अब क्या कहा जाए, इसके जैसा तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। वहीं प्राइम प्ले हुआ, फिर से हंटर हुआ, बेशरम हुआ, ये सारा तीनों बंद हुआ, फिर बिग प्ले आया, हलचल आया, प्लस ये बिग शॉट आया। तो बिग शॉट कुछ दिन तक चला, देख ही रहे हैं कि मतलब कि बिग शॉट तो अभी तक चला ना, इससे पहले तो कितने OTT प्लेटफॉर्म बंद हो चुके हैं, लेकिन ये भी देखिए क्या होता है इन फ्यूचर। हो सकता है कि कोई नया OTT प्लेटफॉर्म ये लोग फिर से लॉन्च कर दें, हो भी सकता है कि नहीं, और थोड़ा सीन का लेवल घटा दें, उसके बाद कहीं हो सकता है कि एक्सटेंड कर जाए। सरकार के नज़र में भी अभी मतलब कि सब कोई तो है ही, है कि नहीं। तो यही सारा चीज़ है दोस्तों, बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा एक संतावना वाला वीडियो बना दिया जाए, है कि नहीं, कि यार आप लोग भी कमेंट में पूछते रहते हैं कि, तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो बहुत सारा चीज़ बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो देखिए ना, आज तो बारात लगेगा फिर से। कल यार विधायक जी के पास गए थे, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, बता देना उचित रहेगा। आप लोग के सामने क्या छिपाना, आप लोग तो जानते ही हैं कि उनका जो भी है काम धाम, कुछ एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था तो वहीं बुलाए थे। तो वीडियो तो मैंने कल तीन ही डाला है ना, एक जयश्री गायकवाड वाला और एक प्लस उल्लू पर जो आ रही है वो, और एक अनकट वाला, तीन ही वीडियो डाला था मैंने, तीन ही शूट किया था। उसको ही मतलब कि टाइम टू टाइम अपलोड कर देते हैं, साथ एक साथ ही शूट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या होता है। तो इसी के कारण कल जो है नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है सबके ज़िंदगी में, टाइम टू टाइम चेंजिंग होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, विधायक लोग हैं ना, ओह क्या रुतबा है यार, पुलिस वकील सब अंडर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी आ रहे हैं बहुत ही जल्द। एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी बहुत सारे चीज़ लेकर आने वाले हैं। ओके धन्यवाद, बाकी अपना ओपिनियन जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके।